हेलो दोस्तों, क्या एक सवाल आपके मन में भी खड़ा होता है? जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं या जल चढ़ाते हैं तो वो जल पृथ्वी पर गिरता है, तो उसकी छींटे आपके शरीर पर पड़ती हैं, तो क्या उससे आपको पाप लगता है? क्या ऐसा सवाल आपके मन में आया है? तो आज इस सवाल का सलूशन हमारे पास है कि ऐसा है या नहीं है। शिव पुराण में कहा गया है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं और पानी पृथ्वी पर गिरता है तो जो छींटे वहाँ हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करती हैं, वो गलत नहीं हो सकता। अब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हो तो क्या स्टूल पर चढ़ के चढ़ाओगे या कुर्सी के ऊपर चढ़ के चढ़ाओगे? अरे सोचो तो सही, अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भर दी गई है कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जो छींटे हमारे शरीर पर गिरती हैं वो अच्छी बात नहीं है, भगवान को बुरा लगता है, इससे हमें पाप चढ़ता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राम भगवान, कृष्ण भगवान, बड़े बड़े संत साधु तपस्वी जितने भी ये सब लोग थे, टेबल या कुर्सी पर चढ़ के सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही सूर्य को जल चढ़ाया है, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव शिव है। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर के तत्व को लेकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अगर उसकी छींटे शरीर पर लगती हैं तो हमको इससे आशीर्वाद प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। जब मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी तब मैं भी यही सोचती थी कि सूर्य को जल चढ़ाते वक्त जो छींटे शरीर पर पड़ती हैं उससे पाप लगता है, लेकिन जब हमने शिव पुराण की कथा सुनी तब हमें भी पता चला कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, जो हिंदू धर्म के पूजन पाठ को समाप्त करना चाहते हैं, वो ऐसी अफवाहें फैला रखे हैं। जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं उन्होंने इसको विपरीत कर दिया है कि सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर छींटे शरीर पर पड़ती हैं तो उसे पाप चढ़ेगा, इसको कहकर ऐसा दोष फैला दिया है कि अधिकतर लोग सूर्य को इसीलिए जल चढ़ाना बंद कर दिए हैं। लेकिन आज आप तो जान गए ना कि शिव भगवान ने अपनी शिव पुराण कथा में क्या बताया है, तो आज से आप भी ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे और सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर देंगे, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान मिलता है, निरोगी काया मिलती है। अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर है या आंखों में दिक्कत है तो आंखें ठीक हो जाती हैं और हर कार्य में सफलता ही सफलता मिलती है।